पति के घर से जाहे के पड़े, दर दर भटके के पड़े, वो औरत के का संस्कार हो, वो का घर संभाली। सच बात तो यही बा चाचा जी, अगर आरती दीदी चाची जी और राउत बीच बड़का भैया के झगड़ा ना लगे तीनू तो आज नौबत ना आई। मनी एगो बात बतावा, तारा के तनिको शर्म नहीं की आवाज कि तू आरती भाभी के बारे में का भूल रहल बड़ू नाप सनक? तारा के तहार खानदान से, तहार पूरा परिवार से यह संस्कार मिलल बा। अरे एगो बात बतावा, क्योंकि घाव लागल होके तो इंसान के घाव पर मलहम लगावे के बजाय तू आओ निमक छिड़कबू। तारा के पता भी है कि आरती भाभी की चोट कैसे लागल है? कोनो डाणा मारे से या छत दीवारी कूदे फांदे से ना लागल है? चोट लागल है अमर भैया के धक्का मार के गिरावला से, गिरावला गिरावला। अरे और तौर एकरा बाद में भी आरती भाभी अमर भैया के पास गेल रहनी है अमर भैया के तकिया देवे खातिर, लेकिन अमर भैया का कहल वो तकिया लेके आरती भाभी के मुंह पे फेंक देना। अरे सच कही ना, घर के लोग के अंदर अगर तनिक भी दया में आ रही तनु तो आरती भाभी के ऊपर ऐसे छीटा कची ना करती, बल्कि उनका इलाज करवाती, उनका सेवा करती। लेकिन ना, इस घर में तो रोज समय समय पर आरती भाभी के साथ अन्याय हो रहा है, कोनो बात नहीं के। लेकिन एक बात हम बता देना चाहता नहीं कि भगवान लौके लन्ना, लेकिन वो सब कुछ देख रहल बाड़ कि के केकरा के साथ का कर रहल बा और के केकरा के बारे में का सोच रहल बा। और समय अवला पे भगवान वो इंसान के साथ न्याय भी करेल। मोहिनी ऐसे हम कह रहल बानी कि केहू से ना सही, लेकिन कम से कम भगवान से डरा। जगत देवर जी आप चिंता मत कीजिए, दुनिया चाहे कितनी भी ताने दे दे हमारी बहन को, चाहे कितना भी सता ले, लेकिन हमारी बहन के पास जो शक्ति है ना, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। हमारी बहन के पास जो शक्ति है उसी के खातिर आज हम यहाँ पर हैं। भले ही आज हमारी बहन शरीर से यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके अंदर की शक्ति मेरे अंदर यही मौजूद है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, इनको सजा देने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। भौजी के जे जे ताना मार रहे बनो, सबके जवाब देवे खातिर खुद हमार आरती भौजी आयल बड़ी। ऐसे कहे तू लोग देखा तारा? हाँ आज हमें जा आरती भौजी के ताजा दिखावे खातिर ही लेके आयल बन। अगर अमर भैया इंकरा के धक्का दे के नीचे गिरा सकता रेनु तो ये भुला गिल बड़े कि हम इनकर सहारा भी बन सकता नहीं। सबको एगो बात जान ले, ये भुला गिल बड़े कि पति होके के नाते ये जब जब जितना इनकरा पे जुर्म करी है नू, हम एगो देवर होके के नाते इनकरा हर दुख सुख में साथे खड़ा रह। काहे कि हम इनकरा के अपन भौजी ना, अपन माई मानेनी, माई मानेनी, माई मानेनी। और आज व्हील चेयर लेके आयल बनेनू अपन माई सामान भौजाई खातिर लेके आयल बन कि जब तक यहाँ के अपना पैर पे खड़ा ना हो जाएनू तब तक यहाँ के व्हील चेयर पे चल पाए। भौजी रुआ बेजा चुपचाप बैठ के साफ साफ देखी रुआ किकरा के का साजा दिहल जाता और साजा के कैसे भुगतान करता रे। रंजन तू ना आरती भाभी के जलिया के बिल्कुल ठीक कहला, पर एको बात कही
हमरा के समझ में नहीं आवत कि आखिर गोदावरी जी अमर भैया की सजा का दी। रंजन देवर जी, सजा तो हमने सोच ली है कि क्या सजा देनी है, लेकिन सजा देने से पहले आपको हमारा साथ देना होगा। अरे तो रउआ पूछा था नहीं कहे ऑर्डर करी कि रउआ के सजा दिलवा में हमार का मदद चाहिए, रउआ बोल के तो देखी। आप जरा मेरे साथ चलिए। अरे हाँ चली चली। भैया जी एगो बात कहेगा, हमरा के एगो बात समझ में ही नहीं खे आवत, मतलब ये सब देख के हमरा के आश्चर्य होत बा कि चाचा जी के बाद जन बड़का भैया के आगे क्यों के मुंह ना खुलत रहल, आज उनकरा के क्यों कुछ बोल के चल जाता, उनकरा के साथ क्यों कुछ कराता और वो चुपचाप सहा था नहीं। आखिर ऐसा कौन मजबूरी बा भैया जी, बताई ना। मोहिनी तारा के ना कुछ भी बोल के जरत आग में घी डाले के कोनो जरूरत नहीं खे, काहे कि ऐसा करबू ना तो सब कुछ जल के राख हो जाए। पर वैसे तू का सोचल बाड़ू कि अमर भैया आज गोदावरी जी की सजा से बच जइहन? अगर अमर भैया गोदावरी जी के सजा से बच भी जइहन ना तो अमर भैया के कोनो मुक्ति न मिली, काहे कि अगर अमर भैया ई सजा भुगते से तनिको ना नुकुर करिहन तो फुल स्पीड ब्रेकर के बिना सीधे जाते जेल पहुंच जाए। और वैसे सुन लू ना कि गोदावरी जी का कहली है, अब गोदावरी जी के अंदर भी आरती भाभी वाली शक्ति आ गई बा, और आरती भाभी के जवन शक्ति वाला रूप रहे वो तहिजा सब कुछ पहले लोग देख ले बा, और वो रूप के अनदेखा करे के वजह से ही आज गोदावरी जी जवन ही रूप धर ले बानी ना, और जवन सजा दे रहल बानी अमर भैया के वो सब कुछ ही घर वाला देख रहल बा। रोवा के ना शर्म आए के चाहे, कैसन भाई है रोवा? नहीं मतलब रोवा एगो भाई होके दूसर भाई पे जब आफत आइल बा तो रोवा उनका साथ देवे के बदले मजा लेता है। छोड़ के दुल्हन। हाँ चाचा जी। जगत के रोकला के कौनो जरूरत नहीं थे। अरे इनकरा था पाख लागल बानू, उड़े ले बता, उड़े दो। अरे भाई ना अभी तो पटीदारी वाला दुश्मनी निकाल रोल मारन अमर से। ए रे जगत, अरे इन जेतु आज फड़फड़ा रहा।